शहदो शकर से शीरी उर्दू ज़बाँ हमारी, होती है जिसके बोले मीठी ज़बाँ हमारी। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब के इसी शेर के साथ मैं शहपर शरीफ शोबे उर्दू से फासलाती निज़ाम तालीम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम के ज़रिए माशरे से वाबस्ता मसाइल पर तवज्जो दिलाने के साथ साथ यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए मुफीद प्रोग्राम लाए जाते हैं ताकि उनकी मालूमात और इल्म में इजाफ़ा हो सके और वो अपने नाम के साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के नाम को भी रोशन कर सकें। इंसानी तहजीब के इर्तिके में ज़बान व बयान और अल्फाज व मानी ने नुमाया और अहम किरदार अदा किया है। ज़बान कौम व मुल्क की तहजीब व सकाफत का सरचश्मा होती है। अल्फाज का ज़खीरा जिस कदर अजीम होगा उसी कदर ज़बान भी वसी और आलमगीर होगी। अल्फाज के लुगवी मानी कुछ होते हैं लेकिन महले इस्तेमाल से उनके मानी मतालिब और मफाहीम बिल्कुल बदल जाते हैं। अज़ीज़ तुलबा, उर्दू के बेहतरीन अल्फाज नाम से एक सीरीज शुरू की गई है जिसमें उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज पेश किए जा रहे हैं जो उर्दू शायरी में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। वो लोग जो उर्दू नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत मुफीद और कारामद साबित होगी। इस सीरीज़ का पहला, दूसरा और तीसरा एपिसोड आप UOU लाइव की स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज इस सीरीज़ का चौथा एपिसोड पेश किया जा रहा है, तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। गनीमत, गनीमत के मानी हैं बेहतर, काफ़ी, कद्र के काबिल। सबक मिला है ये अपनों का तजुर्बा करके, सबक मिला है ये अपनों का तजुर्बा करके। वो लोग फिर भी गनीमत हैं जो पराए हैं, वो लोग फिर भी गनीमत हैं जो पराए हैं। तजुर्बा कहते हैं आजमाइश, जांच, ट्रायल। सबक मिला है ये अपनों का तजुर्बा करके, वो लोग फिर भी गनीमत हैं जो पराए हैं। जस्तजू, जस्तजू के मानी है तलाश करना, दरियाफ्त करना, क्यूरियोसिटी, खोजना। अहमद फराज साहब का ये शेर, तेरे बग़ैर भी तो गनीमत है ज़िंदगी, तेरे बग़ैर भी तो गनीमत है ज़िंदगी। खुद को गवां के कौन तेरी जस्तजू करे, खुद को गवां के कौन तेरी जस्तजू करे। गवाना कहते हैं खोना, बर्बाद करना। तेरे बग़ैर भी तो गनीमत है ज़िंदगी, खुद को गवां के कौन तेरी जस्तजू करे। गर्दिश वक्त, गर्दिश वक्त के मानी हैं उरूजो जवाल, अच्छा और बुरा वक्त। ताहिर फराज साहब का ये शेर, कैसे मानूं के ज़माने की खबर रखती है, कैसे मानूं के ज़माने की खबर रखती है। गर्दिश वक्त तो बस मुझ पे नज़र रखती है, गर्दिश वक्त तो बस मुझ पे नज़र रखती है। नज़र रखना कहते हैं परवाह करना, निगरानी करना। कैसे मानूं के ज़माने की खबर रखती है, गर्दिश वक्त तो बस मुझ पे नज़र रखती है। गरकाब, भरत भूषण पंत का ये शेर, ये क्या कि रोज़ उभरते हो रोज़ डूबते हो, ये क्या कि रोज़ उभरते हो रोज़ डूबते हो। तुम एक बार में गरकाब क्यों नहीं होते, तुम एक बार में गरकाब क्यों नहीं होते। गरकाब के मानी है डूब जाना, डूबना, ड्रॉन। ये क्या कि रोज़ उभरते हो रोज़ डूबते हो, तुम एक बार में गरकाब क्यों नहीं होते। हरीफ, हरीफ के मानी है मुखालिफ, मुकाबिल, दुश्मन, ओपोनेंट, कॉम्पिटिटर, विरोधी, प्रतिद्वंदी, शत्रु। अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया। मेरे सफीने को गरकाब देखने के लिए, मेरे सफीने को गरकाब देखने के लिए। सफीना कहते हैं कश्ती, नाव, बोट, नौका। अजब हरीफ था मेरे ही साथ डूब गया, मेरे सफीने को गरकाब देखने के लिए। आफियत, आफियत के मानी है सलामती, भलाई, सेफ्टी। कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ। वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है,
वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। मौजे दरिया के माने हैं दरिया की लहर, वेव ऑफ रिवर। कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। सोगवार, सोगवार के मानी है रंजीदा, गमगीन, आजुर्दा, सोरोफुल, उदास। गुनूदा राहों को तक तक के सोगवार न हो, गुनूदा राहों को तक तक के सोगवार न हो, तेरे कदम ही मुसाफिर उन्हें जगाएंगे, तेरे कदम ही मुसाफिर उन्हें जगाएंगे। गुनूदा कहते हैं ऊँगा हुआ, सोई हुई। राह कहते हैं रास्ते, वे रोड। मुसाफिर कहते हैं रागीर, सफ़र करने वाला। गुनूदा राहों को तक तक के सोगवार न हो, तेरे कदम ही मुसाफिर उन्हें जगाएंगे। खफा, खफा के मानी है नाखुश, नाराज, रंजीदा, अप्रसन्न, रुष्ट। अजीब शख्स है नाराज हो के हंसता है, मैं चाहता हूँ खफा हो तो खफा ही लगे। सलीका, सलीका के मानी है सलाहियत, शऊर, स्किल, योग्यता। अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो। संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। संगमरमर कहते हैं वाइट मार्बल को। अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मंसूब, गम से मंसूब करूं दर्द का रिश्ता दे दूं, गम से मंसूब करूं दर्द का रिश्ता दे दूं। जिंदगी आ तुझे जीने का सलीका दे दूं, जिंदगी आ तुझे जीने का सलीका दे दूं। मंसूब के मानी हैं लगाव, ताल्लुक, नस्बत रखने वाला, मुतालिक, रिलेशन, संबंध। गम से मंसूब करूं दर्द का रिश्ता दे दूं, जिंदगी आ तुझे जीने का सलीका दे दूं। खपती, खपती के मानी है बेवकूफ़, नासमझ, अहमक, फुलिश। अकबर इलाहाबादी का ये शेर, हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को खपती समझते हैं, कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को खपती समझते हैं। काबिले ज़ब्ती कहते हैं ज़ब्त करने के लायक। हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को खपती समझते हैं। तलातुम, तलातुम के मानी है पानी के थपेड़े, तूफान, हाई टाइड। दरिया के तलातुम से तो बच सकती है कश्ती, दरिया के तलातुम से तो बच सकती है कश्ती। कश्ती में तलातुम हो तो साहिल न मिलेगा, कश्ती में तलातुम हो तो साहिल न मिलेगा। तलातुम के एक मायने और होते हैं मुसीबत, परेशानी। साहिल कहते हैं दरिया या समुंदर का किनारा। दरिया के तलातुम से तो बस सकती है कश्ती, कश्ती में तलातुम हो तो साहिल न मिलेगा। रूपोश, रूपोश के मानी है पोशीदा, छुपा हुआ, खुफिया। जब डूब गई कश्ती ये रास खुला हम पर, जब डूब गई कश्ती ये रास खुला हम पर। दरिया के तलातुम में रूपोश किनारे थे, दरिया के तलातुम में रूपोश किनारे थे। कश्ती कहते हैं नाव, बोट। जब डूब गई कश्ती ये रास खुला हम पर, दरिया के तलातुम में रूपोश किनारे थे। अजीज़ तुलबा, ये था फासलाती निज़ाम तालीम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का तालीमी प्रोग्राम, जहां आज उर्दू के बेहतरीन अल्फाज नाम से शुरू की गई सीरीज़ का ये था चौथा एपिसोड, जिसमें उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज पेश किए गए हैं जो उर्दू शायरी में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी नए मौजू के साथ। शुक्रिया।